अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी अपनी नाजिवी लो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आपकी दुआएं हैं, आप ऐसे खुश रहें, आबाद रहें और मुझे दुआओं में याद रखा करें और मेरा इंतज़ार ज़रूर किया करें। तो कल के अगेन माजरत के कल मैं वीडियो नहीं बना सकी, वो इस वजह से कि घर में कल से अम्मी नहीं है और मेरी भी कुछ तबीयत नहीं ठीक थी क्योंकि मैंने डॉक्टर पे जाना था। तो डॉक्टर साहब से बात हुई लेकिन वो कह रहे थे कि आप एक दिन के बाद आना, मतलब कि आज मैं जाऊंगी। 16 16 तारीख थी कल, 17 18 तारीख को बोला था उन्होंने। मेरे ख्याल में आज 17 तारीख है तो इंशाल्लाह मैं डॉक्टर पे भी जाऊंगी। और मज़े की बात बताऊं, आज मैंने पूरे 2 महीने के बाद घर में वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धोए हैं क्योंकि मेरे ये शोल्डर का मसला, तो मैं कपड़े नहीं धोती हूँ सर्दियों में। मेरा ये नेक प्रॉब्लम हो जाता है, शोल्डर में पेन हो जाती है, तो मेरे लिए दुआ किया करें। तो इसलिए मैंने कुछ कपड़े मिक्स पहने हुए थे, मतलब शर्ट वर्ट ऐसे वैसे, तो इसलिए मैंने वो बनाई। तो मैं सुबह की उठी हुई हूँ 5 बजे की अभी मेरे ख्याल में, माशाल्लाह। तो तो बात अच्छी है। दरअसल ये है कि अभी मैं करूँगी नाश्ता, तो मैं अपनी फैमिली को दिखाऊंगी। तो माजरत है कि आप मुझे जी, तो जब मैं फ्रेश हो जाऊंगी, कपड़े वगैरह चेंज कर लूंगी, फिर मैं अपनी फैमिली के साथ बात करूंगी। मुझे ऐसे ही दुआओं में याद रखा करें, ऐसे ही प्यार किया करें। तो आज जी व्यूवर्स, मैं करने लगी हूँ नाश्ता। मैं हो चुकी हूँ फ्रेश, तो आपने नाश्ता करना है तो आ जाएं। जी, तो मैंने धोते सुबह कपड़े, अभी छत से कपड़े उतारने चलते हैं। छत से उतारूंगी कपड़े क्योंकि मैंने सुबह धोए थे, सर्दी अभी भी है, इस वजह से मैंने जो है कि ये हमारी छत है, मैंने वही कपड़े धोए हुए थे। ये देखें ये व्यूअर्स, क्योंकि चलते हैं नीचे, सुबह तक मेरे ख्याल में जब मैंने कपड़े धोए हैं तब धूप नहीं थी, अभी धूप जो है निकली है तो कपड़े भी खुशक हो गए हैं। तो जी मैं नीचे बैठी हूँ, मैंने मंगवाया है जूस बनाना शेक का, और मैंने कहा वो पीती हूँ मैं। तो अभी ये है कि आज अम्मी बनाएंगी खाना, तो वो आपको दिखाएंगे। तो क्योंकि अभी मैं उठी हूँ, दोपहर का टाइम है, सो गई थी, सुबह तो सोई थी सारे घर। जी मैं जूस पी रही हूँ। हेलो। आज बनाएंगे दाल चावल, हाँ, वो तो सारा कुक क्योंकि हमारा आ गया कुक, का है। चावल ओ लेन गए। कुक देखें, आठ आते सारे सबको डांट पड़ रही है, ये कुक है हमारा। मैंने कहा चलो अभी जूस वगैरह पिया है तो नीचे आके बैठी हूँ। तो खाना ये है आप कि देखते हैं, आपके पास ये मेरा भांजा है तो ये आया नीचे, तो मैंने कहा चलो आओ तुम्हारी, मैं अपनी फैमिली के साथ बात करवाती हूँ, आप बात करें इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमान है, मैं पढ़ता हूँ मून पब्लिक स्कूल में और क्लास है मेरी 8। मेरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। जब मैं 9 में जाऊंगा तभी मेरा कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है और मैंने बड़े हो गए इंजीनियर। और आपने हाँ मेरी खाला के व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना, ठीक है? देख ले, आपको रिक्वेस्ट की है उसने, दाल चावल अम्मी बनाने लगी है, तो अभी मैं भाई जाके आपको दिखाती हूँ। ये मेरे ख्याल में चावल बनेंगे, इसमें ये दाल रखी हुई है, उबलेंगे। अपने पोषणों के बाहर ना छोटे छोटे से किचन जो है ओपन किचन बनाए हुए हैं, तो सब पोषणों में ऐसे ही है, तीन चार किचन है, नहीं तीन किचन है, चार नहीं है। ये देखें अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी वो बनाएंगे तड़के वाले चावल और साथ साबुत मसर, वो भी अम्मी आई है तो वो कह रही, वो भी बता दें। हम भूखे बैठते हैं क्योंकि अम्मी आती तो हम खाना खाते हैं, कि वैसे हम भूखे रहते हैं,
वो कह रही है कि आप सासर बताओ कि भूखे रहने आसी और वो खाना बना रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, बस खाना तो मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मम्मी मुझे बातें करती थी। मम्मी कहती जब मैं घर पे होती हूँ तो आप लोग खाना बनाते नहीं हो, तो जब मैं आ जाती तब आप लोग फिर मैं बना के देती हूँ। मैं भी बनाती थी अक्सर, लेकिन इस दफ़ा फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मैंने खाना नहीं बनाया, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी और इस वजह से लेट भी आई थी मैं। तो कभी भी ऐसे नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है मेरे साथ कि तबीयत जो है ना सर्दी की वजह से से निकले बस दिल करता सोता रहे बंदा, रात को लेट सो जाना, दिन को लेट उठ जाना, ये मेरी रूटीन हो जाती है। बहुत बुरे तरीके से रूटीन मेरी बनती है इस तरह की, कि इस वजह से कि मैं ये कहती हूँ कि वेले बंदे के पास कोई काम नहीं। तड़का लग चुका है, पानी डाल दिया है, अभी ऊपर रख दिया है तो मसाले भी डाल दिए दाल में, तो साथ साथ अम्मी जो है वो चावल भी धो रहे हैं। ये पास ही बेसन है, साथ साथ बनाया हुआ। ये देखिए अम्मी ने भी अपर पहना हुआ है क्योंकि सर्दी अभी भी है थोड़ी थोड़ी सी। ये देखो ये हमारी कैटो है, ये बच्चा जो है बाहर निकलता ही नहीं है, खाता पीता है, गोश्त मंगवाते हैं इसके लिए खा के। तो यहाँ पे ना हमने एक फालतू हमारा एक पर्दा पड़ा हुआ था, तो बेड के ऊपर इसने जगह छोटी सी बनाई हुई है, सोता तो किधर जिधर मर्जी सो जाता है, लेकिन जब दिन को ये खाता पीता और यहाँ पे ये देखे आके बैठ जाता है। कहतो कहतो मैंने कहा कि मैं ऊपर जाऊं, देखो सिस्टर ने नहाना था, मेरे ख्याल में वो नहा चुकी है, वो देखती हूँ उठी हुई है। तो मैंने कहा सूट अच्छा लग रहा, कहती फिर देख लें। वो उसने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ भी नहा के बैठी है, तो मैंने कहा चलो। ये देखे हीटर बंद नहीं होता, ये देखे हीटर नहीं बंद होता सिस्टर का। आज वाकई ही सर्दी है, तो मैंने 2 दिन जैकेट नहीं पहनी थी, फिर मैंने दोबारा इसको निकाला अलमारी में से, तो मैंने कहा मैं आज पहनती हूँ। तो ये है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे वाले फ्लोर पे कभी दरमियान वाले फ्लोर पे, मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। बस शुक्र है अल्लाह का, छोटा सा अल्लाह ने हमें घर दिया हुआ है कि हम लोग आपस में मैनेज करते हैं रहते हैं। तो बस ये देखे क्या कर रही है अक्सा, कौन सा भी लोग, ये देखें आपको हाय बोल रही है, मुंह से भी बोला करो। हाय अस्सलाम वालेकुम। हाय सलाम अलैकुम कह रही है, सिस्टर भी अभी नीचे आएगी, तो ऐसे नीचे ऊपर जा जा के ना मेरे घुटनों में दर्द होती है पता है। चावल तैयार हो चुके हैं, देख ले, दहा देते हैं, दहा देते हैं, दहा देते हैं, मैं कह रही मैं दिखा दिया दिखा दिया। तो अब मैं बैठूंगी नीचे फिर अपनी जगह पे, सिस्टर भी अभी नीचे आ रही है, फिर खाना भी खाते हैं मिलके और थोड़ी सी बात भी करते हैं। बाहर का मौसम जो टाइम से जो है, छत पे जाके जो कपड़े मैंने फैलाए हुए थे वो मैंने उतार लिए हैं, और इस वजह से कि अम्मी कह रही थी कि खबरों में देखा है कि बारिश की पेशगोई हुई है कि बारिशें होंगी, ठंडी हवा चल रही है, अभी तो सर्दी जाने। मैं नाम नहीं ले रही, मैंने अभी भी जैकेट पहनी क्योंकि मुझे सर्दी ज्यादा लगती है। इस वजह चावल से तैयार हो गए हैं, दाल अभी बन रही है, जी विवश मैं खाने लगी हूँ खाना। खाना तैयार हो चुका है और मैं खाना खाने लगी हूँ। तो मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।